हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। आज हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके, तो लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको गॉस लॉ की डेफिनेशन बताई थी। नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्साइलन नॉट। और मैंने बोला था कि इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज करना सीखेंगे, तो आज हम शुरू कर रहे हैं पहला एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो पहला एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हमको जो रिजल्ट देता है, वो रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है। ओके, आपको ऑलरेडी वो रिजल्ट पता है, पर बस वेरीफाई करने के लिए कि हाँ यूज सही करना आ गया या नहीं, वी विल डू दैट। तो अगर मैंने एक टेस्ट चार्ज यहां रख दिया प्लस क्यू, और आपसे पूछ लिया कि इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर, कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करोगे? तो आप इसकी वैल्यू ऑलरेडी सीख चुके हो मेरे से कि क्यू क्यू चार्ज का आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, आपको ऑलरेडी पता है, कोई बात नहीं। लेट्स से आपको नहीं पता होता, आपको कुलम्स लॉ की हेल्प से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाया था। लेट्स से आपको नहीं पता कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो उस केस में गॉस लॉ से भी आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे ये देख लो। सबसे पहले आप इस आर रेडियस का एक स्फीयर बनाओगे। क्या बनाओगे? स्फीयर। स्फीयर क्यों? क्योंकि स्फीयर बनाने पर इन सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस इस क्यू चार्ज से क्या रहेगी? सेम रहेगी, आर, कैपिटल आर। और इन सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? गोइंग अवे फ्रॉम अवर पॉइंट चार्ज, डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। समझ में आई बात? क्या क्या बोला मैंने? कि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? डायरेक्टेड अवे। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पर डायरेक्टेड अवे। और तो और एक और अच्छी बात कि चूंकि ये आर डिस्टेंस सब जगह सेम है, स्फीयर है क्योंकि ये, तो इन सब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। डायरेक्शन अलग अलग होगी पर वैल्यू सेम होगी। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो एक की वैल्यू निकालूं या इन सब की वैल्यू निकालूं, मेरे लिए बात बराबर है। वैल्यू कैसे निकालूंगा? मेन क्वेश्चन ये है। मेन क्वेश्चन पर पढ़ते हैं कि ये एक जो सरफेस बनाई हमने, कौन सी सरफेस है? स्फेरिकल सरफेस। इसके लिए मैं गॉस लॉ अप्लाई कर सकता हूं या नहीं? किसी भी इनक्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई कर सकता हूं। तो इस स्फेरिकल सरफेस के लिए अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करूं, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू क्या बताई थी मैंने? ई डॉट ए। ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। ओके, तो आप देखोगे कि इन सारे पॉइंट्स पर एरिया वेक्टर जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर बताया था मैंने। और कैसा बताया था? एरिया के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ओके, तो इन सब पॉइंट्स पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो ये ई डॉट ए की वैल्यू मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं? ई इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ओके, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सरफेस इनटू एरिया ऑफ द सरफेस। क्या आपको पता है स्फीयर का एरिया कितना होता है? आपको पता है स्फीयर का एरिया कितना होता है? इट्स वैल्यू इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पहली बात तो मैथमेटिकली फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरी बात कि हमने अभी अभी गॉस लॉ में क्या सीखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? क्यू इन साइड बाई एप्साइलन नॉट। तो फ्लक्स की दूसरी वैल्यू हमने गॉस लॉ से लिख दी, क्यू बाई एप्साइलन नॉट। और इसकी वैल्यू किससे इक्वेट कर सकते हैं? ई इंटू
फोर पाई आर स्क्वायर। और अब आगे बढ़ते हुए हम ई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को ही हम क्या लिखते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पर तुम बोलोगे सर इससे क्या फायदा हुआ, ये तो हमें ऑलरेडी पता था। पता था, पर अब तुमने गॉस लॉ को अप्लाई करना सीखा या नहीं सीखा? ठीक है, गॉस लॉ एप्लीकेबल हर जगह होता है, पर यूजफुल कहाँ होता है, जहां पर सिमेट्री हो। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन एवरी सरफेस, बट इट इज मोर यूजफुल ऑन सिमेट्रिकल सरफेस। सिमेट्रिकल होने से सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम ले पाया मैं। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? तो अब मैं पहला एप्लीकेशन बताया, पर तुम्हें ये इजी लगा तो मैं समझ सकता हूं। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। ओके, गॉस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन पर चलता है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज। तो अब तुम में से फिर से कुछ को तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों सर, ये भी आप बता चुके हो पहले। अब बता तो चुके हैं, लेकिन जैसा हमको सिखाया था हमारे टीचर ने, एक एक चीज को दो तरीके से करना अगर आता है तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। एक ही काम को अगर दो अलग अलग तरीके से करना आता है तो उसमें कोई भी बुराई नहीं माननी चाहिए तुमको। ओके, तो पेशेंटली देखो और चीजों को समझो। ये मैंने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक, ये बना दिया मैंने बहुत ही लंबा। ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, कि ये बहुत ही लेंदी, ठीक है, दोनों तरफ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कैरिंग वायर है या लीनियर चार्ज है। ओके, कुछ भी बोलूं एक ही बात। तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। याद है आपको, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम ये। तो लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, गोइंग अवे, डायरेक्टेड अवे, ठीक है। और अगर मैं इस वायर से पूछूं, आपको पूछूं कि इस वायर से सेम डिस्टेंस पर एक शेप बनानी है, तो एक पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पर शेप जो बनेगी वो कैसी बनेगी, स्फेरिकल। लेकिन एक लाइन चार्ज से सेम डिस्टेंस पर जो शेप बनेगी वो स्फेरिकल नहीं बनेगी, वो कैसी बनेगी, वो बनेगा एक गोल सिलेंडर ऐसा। ये सिलेंडर जो है एक पाइप के जैसा, इसकी डिस्टेंस इस वायर से सब जगह सेम है। तो लेट्स से हमने स्मॉल डी डिस्टेंस, डी रेडियस का एक सिलेंडर बना लिया। अब इस सिलेंडर में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कमिंग आउट ऑफ द सिलेंडर। कौन सी सरफेस से फील्ड बाहर आ रहा होगा, कर्व्ड सरफेस से, सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस से बाहर आ रहा होगा। इसको हटा दो। ओके, तो अब इस कर्व्ड सरफेस पे, कौन सी सरफेस पे, सिलेंडर की जो कर्व्ड सरफेस है, सिलेंडर ओवरऑल जो क्लोज्ड है एक, उसके ऊपर अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं तो नेट फ्लक्स किसके बराबर होना चाहिए। दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ई डॉट ए, और दूसरा गॉस लॉ वो कितना होना चाहिए उसके हिसाब से, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टेक्निकली हम गॉस लॉ की डेफिनेशन समझ रहे हो, सॉरी, हम गॉस लॉ की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। गॉस लॉ के हिसाब से नेट फ्लक्स क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए। तो इन सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई मान लिया। और क्या आपको पता है कि कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, ये हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री। दिख रहा है सब जगह एरिया वेक्टर कैसा होगा, इस तरह से सब जगह कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो ई इंटू ए इंटू कॉस 0, तो
इसको मैं लिखूंगा ई इंटू कितना है ये एरिया कर्व सरफेस का, फो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, याद आ गया आपको, 2 पाई आर एच, एच इज द हाइट, तो एच तो मैंने कुछ ली नहीं, तो लेट्स से ये टोटल हाइट जो है, ये टोटल लेंथ मैंने एल मान ली, तो 2 पाई आर एल, ये हो गया कर्व सरफेस का एरिया, कॉस 0 हो गया 1, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड द सिलेंडर, तो क्यू इनसाइड द सिलेंडर कितना होगा, क्यू इनसाइड द सिलेंडर बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिलेंडर की लेंथ एल है, तो इस वायर की लेंथ कितनी हो गई, एल, तो अगर लैम्डा क्यू बाई एल है तो क्यू की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, लैम्डा इंटू एल, तो क्यू इनसाइड द सिलेंडर कितना लिख दूंगा मैं, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा एंड आई थिंक वी हैव अवर सेकेंड फॉर्मूला, ई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 के लैम्डा बाई आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कितना आया, 2 के लैम्डा बाई आर। अब तुम गुस्सा मत होना कि सर ये फॉर्मूला भी हमें पहले से पता था, तुम्हें पता था, पर एज अ स्टूडेंट मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते थे, तो मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए गॉस लॉ वॉज लाइक अ वरदान, क्या वरदान, फ्रॉम द गॉड, कि भाई तेरे को फॉर्मूले नहीं याद है पर तू एक एक मिनट के अंदर, एक मिनट क्या बोल रहा हूँ, 20 सेकेंड के अंदर तू कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकता है। तो अगर मैंने लीनियर चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, तो अब मुझे इससे याद आ जाता था कि जो फाइनाइट का था वो था के लैम्डा बाई आर इंटू साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, और ये दोनों जब वन वन हो जाते थे तो वापस इन्फिनेटली लॉन्ग का फॉर्मूला हो जाता था। तो भाई मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था कि गॉस लॉ से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं दोबारा से इजीली कम टाइम। चलो आगे बढ़ते हुए, अब आई प्रॉमिस कि अगली एप्लीकेशन जो बताऊंगा वो अपन ने पहले नहीं देखी है, वो हमने कुलम्स लॉ से डिराइव नहीं की थी, दैट इज माई थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ एंड इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड शेल, शेल इज ऑल्सो कॉल्ड हॉलो स्फेयर, एक हॉलो स्फेयर या शेल के लिए सारा का सारा चार्ज कहां पर होगा, सारा का सारा चार्ज होगा उसकी सरफेस पर, सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। ओके तो लेट मी गिव इट सम चार्ज, ये रहा, ठीक है, इसकी सरफेस पे कुछ चार्ज दे दिया मैंने, इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, ठीक है, और इस चार्ज की टोटल वैल्यू से क्यू है और इसकी रेडियस है आर, और अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको शुरू होते ही दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, हमारे पास पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, हम इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इंटीग्रेट इसका बहुत, इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, इसके लिए हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कि पहला केस क्या है, केस ए, केस ए में मैं बोल सकता हूं कि लेट से सेंटर से एक डिस्टेंस एक्स ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, एक्स डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मुझे किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, ये डिस्टेंस कितनी ली हुई है मैंने, एक्स, एक्स डिस्टेंस पर, यहां पर किसी ने पूछा है मुझसे कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए आर डिस्टेंस पर, वेयर आर इज ग्रेटर, एक्स डिस्टेंस पर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन आर, तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे गॉस लॉ आता है,
गॉस लॉ आता है तुम्हें, इस डिस्टेंस पर क्या बनाऊंगा, एक सिमेट्रिकल सरफेस बनाऊंगा। ये बन गया सिमेट्रिकल सरफेस मेरा। सिमेट्रिकल मतलब इसकी रेडियस सेंटर से हर जगह पे कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस एक्स होनी चाहिए। ओके, तो सिमेट्रिकल सरफेस जब बनाया तो उसी लॉजिक से जिससे पहले हमने पॉइंट चार्ज के लिए बोला था, मैं बोल सकता हूं कि इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, होगी कि नहीं होगी। अगर वैल्यू सेम होगी तो मैं फट से लिख सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्यू इन साइड, कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, तो E डॉट A की वैल्यू सब जगह के लिए क्या हो जाएगी, E इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी E इंटू एरिया की वैल्यू, इस स्फीयर का x रेडियस का स्फीयर है उसका एरिया कितना होगा, 4 पाई x स्क्वायर कॉस 0 1 हो गया, इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वैल्यू आया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज के क्यू बाई x स्क्वायर। तो बोले सर इतनी मेहनत की और आंसर आपका वही आया जो पॉइंट चार्ज का था, क्या था, के क्यू बाई r स्क्वायर, वेयर r वॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। हमारा फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई x स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक स्फेरिकल चार्ज की वजह से, एक फिर से सुन लेना ध्यान से, एक स्फेरिकल शेल है उस पर चार्ज क्यू पड़ा है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर के पॉइंट्स पर बिल्कुल उतना ही है जो एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता अगर वो पॉइंट चार्ज कहां रखा होता, उसके सेंटर। ओके, तो यहाँ पर बहुत कुछ हो गया है, मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ इसको, क्योंकि अगर इतना कुछ एक साथ देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप पुराना स्क्रीनशॉट एक ले लेना उस पोजीशन तक का, मुझे समझाने के लिए ना थोड़ा सा बेटर फिगर चाहिए होगा। बेटर फिगर है मेरे पास, हाँ शायद ये है। ठीक है, तो एक पॉजिटिवली चार्ज शेल के आउटर पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उतनी ही वैल्यू आती है जितनी कि एक पॉइंट चार्ज की वैल्यू आती है। ओके, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटर पॉइंट पे, ठीक है, कितना होता है, के क्यू बाई x स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल। तो एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और एक शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू सेम होती है। आ रही है बात समझ में आपको? ओके, लेकिन एक पॉइंट चार्ज की वजह से उसके पास वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहां पर शेल विल बी डिफरेंट। एक चार्ज शेल की वजह से बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। अब ये कैसे हुआ, तो इसके लिए हम दोबारा से गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, ये चीज आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल एंड अ पॉइंट चार्ज आर सेम एट द आउटर पॉइंट ऑफ द शेल। एक शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर पॉइंट पे बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उसका सारा चार्ज कहां पे रखा हो, उसके सेंटर पे, तब होता। ओके, तो अभी मुझे बी पार्ट सॉल्व करके दिखाना है आपको, और बी पार्ट में हम क्या करेंगे, एक्स लेस देन आर के लिए बात करेंगे इनसाइड द सरफेस। अब मुझे कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर, और सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, एक्स। इस पॉइंट पर किसी ने बोला कि यहां पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अंदर के पॉइंट पर,
तो तुमने क्या बोला? वही जो तुम हर बार बोलते आए हो तब से, कोई बात नहीं, एक्स रेडियस की एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे हम, हमें क्या जाता है, सिमेट्रिकल सरफेस बनाएंगे और प्राउडली बोल देंगे कि इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री है, सारी सिमेट्रीज है जितनी तुम्हें दिख सकती है। तो अब इस वाली गॉसियन सरफेस के लिए, इस वाली स्फेरिकल सरफेस के लिए जब मैं लिखूंगा नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो मेरे पास वैल्यू आएगी ई डॉट ए इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन कितना है यहां पर? अरे ये तो गड़बड़ हो गई, क्यू इन तो है ही नहीं, सारा का सारा चार्ज तो कहां पर था? सरफेस पे। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं, मतलब क्यू इन की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। तो ये पार्ट क्या हो गया? जीरो। अब एरिया तो जीरो है नहीं गॉसियन सरफेस का, तो जीरो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मस्ट बी जीरो। तो एट द इनसाइड पॉइंट, अंदर के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है। तो अंदर के पॉइंट पर मुझे कोई भी एरोज नहीं बनाने चाहिए। ओ, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, आ जाओ, वेरी गुड, ठीक है। इसको नहीं लेते, इसको इस वाले को लेते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। आई बात समझ में? एक स्फेरिकल शेल, चार्ज शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? बाहर बिल्कुल वैसा ही जैसा कि सारा चार्ज सेंटर पे रखा होता तो होता, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर वैल्यू है, और अंदर जीरो। और किसी ने पूछा सर सरफेस पे कितना होगा? तो सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्स इक्वल टू आर, फॉर एक्स इक्वल टू आर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब आपने इसी फॉर्मूले में क्या वैल्यू पुट कर दी? एक्स इक्वल टू आर। क्योंकि देखो बेटा, सरफेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मेटल की जो वॉल्यूम है, मेटल का जो सॉलिड पोर्शन है, उसके बाहर की ही बात कर रहे हैं, हम बॉडी के अंदर की बात नहीं कर रहे, एटॉमिक लेवल पे। सरफेस मतलब द सरफेस वेयर इट इज ओपन टू द एयर, ओके। तो हम जब सरफेस की बात कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट जस्ट आउटसाइड द सॉलिड मटेरियल ऑफ द स्फीयर, ओके। तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आउटसाइड वाला, विच इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शेल कितना आया? बाहर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, अंदर जीरो, और सरफेस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी सेम फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू आर पुट कर दी, सरफेस पे वैल्यू वैसे भी एक्स की वैल्यू आर हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? पक्का समझ में आई? नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो, जो करना है कर लो, ठीक है। उसके बाद मुझे बस इतना और बताना है, एक छोटी सी चीज, कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूं? थोड़ी सी जगह चाहिए होगी मुझे, थोड़ी सी जगह बना लूं, ओके। इसको हटा देता हूँ, जगह की बहुत कमी है, ये ऑनलाइन क्लास में जगह की कमी है, बताओ। इतना इस बड़ा इंटरनेट है और जगह की कमी, ठीक है। ये रहा हमारे एक्सिस। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। तो इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू मान लेते हैं आर हो जाएगी। तो आर होने से पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे पॉइंट्स पर, जब तक एक्स जो है वो आर से कम है, इन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। जीरो मतलब डॉटेड लाइन बनाइए, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? जीरो। फिर जब एक्स इक्वल टू आर हो जाता है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके बाहर के सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीजिंग, कौन से फॉर्मूले से? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। एक्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर घटता चला जाएगा और इन्फिनिटी पे जाके वापस जीरो हो जाएगा। तो ग्राफ समझ में आ गया आपको? कॉपी कर लें, ठीक
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, सेव कर ले अपने पास, ये ना सोचे कि सब याद रहेगा, याद नहीं रहती है एक टाइम के बाद चीजें, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, उसके थ्रू रिवाइज कर लेना नोट्स को। ओके डन। ठीक है, एक और यूज बताना है मुझे, पर वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सॉलिड स्फीयर, चार्ज सॉलिड स्फीयर, उसमें चार्ज जो है सरफेस के साथ साथ अंदर के पॉइंट्स पे होगा, और आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन सब में से, सबसे ज्यादा पूछा जाता है चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो उस वीडियो को स्किप ना करें, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी। चलो टेक केयर, बाय बाय, अभी के लिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद।